हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेहान और आप देख रहे हैं संजरी मोबाइल। दोस्तों, आज मेरे हाथ में जो मोबाइल है ये सैमसंग गलेक्सी J8 मोबाइल है। FRP इशू है। आप विदाउट कंप्यूटर, बगैर किसी PC के आप इसे कैसे खोलें, आप अगर गूगल लॉक और पासवर्ड भूल चुके हैं। आइए हम आपको चेक करवा दें पहले कि इस पर गूगल लॉक लगा हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, ये देखिए गूगल लॉक है। तो बैक चलते हैं और बैग चलने के बाद इसके अंदर हम लॉक सिम कार्ड, पिन लॉक सिम कार्ड को लगाते हैं। पिन लॉक सिम, लॉक सिम कार्ड क्या है और ये कहाँ कैसे मिलता है, ये चीज़ें अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे मिलेगा। दोस्तों, हमने इसे इंटर किया लेकिन पहले डिस्प्ले पर टच करेंगे। वीडियो को हमने फास्ट किया हुआ है वरना काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो दोस्तों, फिर हम इसे सिम को रिमूव करेंगे, फिर इंसर्ट सिम कार्ड, फिर ओके करेंगे, फिर इस पर टैप करेंगे और इंसर्ट करेंगे, फिर ये लॉक पिन मांग लिया, फिर इस सिम को रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसे फिर इंटर करेंगे, फिर इसे करेंगे। इसी तरह से हम दोस्तों इसके अंदर करते रहेंगे जब तक क्रोम ब्राउज़र ये ओपन नहीं कर लेता है, यानी जो है क्रोम ब्राउज़र ये नहीं आ जाता है। बैक जाएंगे, उसके बाद फिर जो है शो करके, फिर नेक्स्ट करते हुए फिर उसको इंटर करेंगे, फिर सिम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसे जो है करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये क्रोम ब्राउज़र नहीं आ जाता। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखें कि गूगल लॉक FRP अलग अलग मेथड से अलग अलग मोबाइलों में इसका लॉक तोड़ा जाता है। J2 का मेथड कुछ और है, J5 का कुछ और है, J7, J8 का मोबाइल कुछ और है, और ऊपर आप चले जाएंगे तो हाई सिक्योरिटी मिलती चली जाएगी, और फिर हाई सिक्योरिटी में फिर जाकर ऑनलाइन आपको बॉक्स लेना पड़ेगा या डोंगल से, या फिर जो है ऑनलाइन आपको FRP तोड़ना पड़ेगा। और सैमसंग के लिए सबसे बेटर टूल मगमा टूल्स आता है, जिसके ज़रिए से आप बड़े ही आसानी से चंद सेकंड के अंदर अगर आप कुछ पैसा लगाते हैं तो चंद सेकंड में टूट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आ गया गूगल क्रोम। अब यहाँ से हमारी प्रक्रिया शुरू होगी। उसी तरह से करते हुए जब गूगल क्रोम आ जाएगा तो फिर उसके बाद दोस्तों उस पर लिखा www.mobiledemofficialblog.com, उसके अंदर FRP, सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करें FRP और सेलेक्ट करते हुए नीचे आएँ, ये गूगल अकाउंट मैनेजर, इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद ज़्यादा दोस्तों इशू ये रहता है, जब तक क्रोम नहीं खुलता है उस वक्त तक ये नोटिफिकेशन को ऑन करेगा पहले, तो डाउनलोडिंग हो रहा है और ये तकरीबन गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों, हर एक का अपना अपना अलग अलग मेथड होता है FRP का, और चंद सेकंड में अगर आप खोलना चाहते हैं, कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप मगमा टूल से आप इसे इजीली कर सकते हैं। 4 से 5 सेकंड लगता है और गूगल अकाउंट जो है किसी भी सैमसंग मोबाइल का आप तोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आएंगे हम मोबाइल के उसी ब्लॉग पर और अकाउंट लॉगिन बाईपास ये एप्लीकेशन करके नीचे आपको मिलेगा, आप इसे जो है डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद जो है इसे भी आप रन कराएं। अभी दोस्तों एकदम इजी हो गया, ये आपका काम हो गया। जब तक क्रोम नहीं आता है या ब्राउज़र कोई नहीं खुलता है तब तक सिर्फ परेशानी होती है, मेथड कई लगाने पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आपका क्रोम खुल जाएगा या फिर और कोई ब्राउज़र खुल जाएगा तो आप इजीली बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, लॉगिन पे आ गया। लॉगिन पे आप अपना ईमेल आईडी डालें, कोई भी ईमेल आईडी जो आपको याद हो, ईमेल आईडी और पासवर्ड आप बिल्कुल इजीली इसे इसके अंदर डाल सकते हैं आसानी से बिल्कुल। दोस्तों, एक स्टेप भी मत छोड़िएगा, वरना अगर स्टेप छोड़ेंगे या स्टेप से थोड़ा सा भी हटेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि जो है दिक्कत ज़्यादा हो रही है, वीडियो के हिसाब से नहीं हुआ। ये लॉगिन हो गया और हमने मोबाइल को रीस्टार्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ये मोबाइल भी जो है सैमसंग गैलेक्सी J8 है, ये देखिए, और अब ये बड़े आसानी से FRP इसका
रिमूव हो चुका है। तो बगैर किसी दुकानदार के पास गए हुए विदाउट पीसी आप इजीली, अगर आप अपना गूगल अकाउंट भूल गए हैं, हार्ड रीसेट कर लगा दिए हैं, तो उस जो है मेथड में आप इस तरह से आप अपना FRP को रिमूव कर सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं, ये बड़े ही आसानी से टूट जाएगा। बस गूगल जब तक क्रोम ब्राउज़र आ जाए, उसके बाद फिर आपको गूगल अकाउंट मैनेजर ही डाउनलोड करना है, उसके बाद अकाउंट लॉगिन पास बाईपास भी डाउनलोड करना है। बस इजीली ये नेस्ट करते जाएं, आपका इंटरनेट कनेक्ट है वाईफाई के द्वारा कनेक्ट कर लें, उसके बाद फिर जो है इंटर करते जाएं, वाईफाई चूज ऑलरेडी है, उसके बाद चेकिंग फॉर अपडेट। अब ये चेक कर रहा है कि आपका अकाउंट जो है ले रहा है जस्ट ए और अकाउंट एडेड। ये देखिए दोस्तों, गेटिंग अकाउंट इन्फो, तो अकाउंट एडेड हो चुका है, यानी एड हो चुका है इसके अंदर कोई ना कोई अकाउंट। अब ये जब ओपन होगा तो अब कोई इशू नहीं बताएगा, ये चूज़ बैकअप फॉर, तो पहले का बैकअप अगर आपको चाहिए तो उसे चूज़ करना होगा, ये पिन पासवर्ड या नॉट नाउ पे कर लें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, जस्ट ए सेकंड, गूगल सर्विस मोर करके इसे अलाउ कर लें। अलाउ करने के बाद आप बड़े ही आसानी से इसे जो है ओपन कर सकते हैं और जो है फ्रंट पर आ जाएंगे बिल्कुल जो है। ये आसान और बढ़िया मेथड है दोस्तों, अगर इसे आप यूज़ करते हैं तो बड़े आसानी से ये खुल जाएगा। और हाँ, मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपको जो है गूगल लॉक पिन जो है चाहिए जो है सिम, तो आप कमेंट करें और आपको जो है हम पता बताएंगे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा और ये कितने में आता है, इसका मेथड क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से मोबाइल ये ऑन हो चुका है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।